गुड आफ्टरनून, वेलकम टू चंडीगढ़ करियर ग्रुप। आज की वीडियो में हम लोग CDS 2020 के फर्स्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो आपके पास आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फॉर आइडेंटिफाइड थ्रू देयर मेट्रोमोनिक्स। बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको ऐसे रूलर के नाम बताने हैं जिनका जो नाम है वो उनकी मदर की साइड से निकला हुआ। ठीक है, क्वेश्चन में आपको मेट्रोमोनिक्स दिया हुआ ना, मतलब मदर की साइड से निकले हुए नाम जो थे वो कौन सी डायनेस्टी में यूज़ हुए थे। तो पहला ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है मल्लाज ऑफ पावा, दूसरा है विद्याज ऑफ मिथिला, तीसरा है यहूदी और चौथा दिया हुआ है आपके पास सातवाहनास। देखो, जब भी मैं इनकी सातवाहनास की बात करती हूँ तो ये ऐसे रूलर थे जिनका जो नाम है वो मदर की साइड से आया था। और अगर मैं इसमें फाउंडर का नाम करूं तो आपका हो जाएगा सिमुक। ठीक है, अगर मैं इनके कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल आपकी हो जाएगी विदिशा। बेसिकली ये साउथ इंडिया जो कि तमिलनाडु वाले रीजन पे रहते थे, विदिशा या फिर प्रतिष्ठान, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। और अगर मैं इनकी लैंग्वेज की बात करूँ, लैंग्वेज जो मोस्ट ऑफ टाइम ये यूज़ करा करते थे वो आपकी होती थी प्राकृत। ठीक है, हम लोगों ने डायनेस्टी पढ़ी है। देखिए, हम लोगों ने 16 महाजनपद के बारे में जानकारी रखी थी। 16 महाजनपद में से भी जो आपका मोस्ट प्रोमिनेंट निकल के आया था वो था मगध एम्पायर। मगध एम्पायर के ऊपर रूल करने का काम किसने करा था? हरियंक डायनेस्टी ने करा था। हरियंक डायनेस्टी के बाद एक रूलर आया था जिसको मैंने कहा था शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद आपकी कालाशोक डायनेस्टी ने रूल कर लिया था। उसके बाद आपके नंदा आ गए थे, नंदा के बाद मौर्य आ गए थे। मौर्य में भी अगर मोस्ट प्रोमिनेंट का नाम बताऊँ तो मैं चंद्रगुप्त मौर्य आ गया था। और जो ये सातवाहनास होते थे ये दे आर द सक्सेसर ऑफ मौर्य। मौर्य के बाद जिन्होंने इंडियन जो इंडियन किंगडम है उसके ऊपर रूल करने का काम करा था वो आपके सातवाहनास ने ही करा था। ठीक है, अगर मैं इसमें किसी और जैसे रूलर फाउंडर का नाम तो मैंने आपको सिमुक बता दिया, लेकिन अगर मुझे और किसी फाउंडर राजा का नाम देखना हो तो मैं इसमें अग्निमित्र बोल सकती हूँ। ठीक है, पुष्यमित्र बोल सकती हूँ, वो शुंगा डायनेस्टी के हो जाएंगे। गौतमीपुत्र सतकर्णी बेसिकली, ठीक है, सातवाहनास का आप एक नाम बोल सकते हो, गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र और सतकर्णी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस टेक्स्ट ऑफ पंचतंत्र इज करेक्ट। आपको बेसिकली पंचतंत्र एक बुक आती थी उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दिए हुए और आपको बतानी है कि कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट में है, इट इज़ अ फिलोसॉफिकल टेक्स्ट रिफ्लेक्टिंग द डिबेट्स ऑफ द टाइम एंड रिफ्यूटिंग देयर राइवल पोजिशन। देखो, राइवल पोजिशन के बारे में बेसिकली आपकी ब्रह्मसूत्र बताने का काम करती है, योग सूत्र बताती है, न्याय सूत्र बताती है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। मैंने किस किस का नाम बताया? ब्रह्मसूत्र, न्याय सूत्र और एक है आपकी योग सूत्र। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। अगला है, इट इज अ टेक्स्ट यूजिंग द लिंग्विस्टिक एज द फॉर्मल साइंस। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको फॉर्मल साइंस के बारे में जो जानकारी है क्या न्याय सूत्र प्रोवाइड करता था। देखिए, फॉर्मल साइंस के बारे में बेसिकली आपको जितने भी संस्कृत ग्रामर की बुक होती थी वो बताने का काम करेंगी। नेक्स्ट, इट, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई, फर्स्ट वाली भी गलत, सेकंड वाली भी गलत। इट इज़ अ टेक्स्ट डिस्कसिंग डेवलपमेंट इन द वॉरियर स्फेयर ऑफ द नेचुरल साइंस। अब नेचुरल साइंस के बारे में तो हम लोग गुप्ता एज में पढ़ते हैं ना यार, गुप्ता में आर्यभट्ट आया था और उसने अपनी बुक लिखी थी क्या, आर्यभट्टम। तो ये तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई। फोर्थ स्टेटमेंट में आपको दिया हुआ है, इट इज़ अ टेक्स्ट शोविंग थ्रू इलस्ट्रेशन व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन।
ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। पंचतंत्र में आपको बताया गया था कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर मैं पंचतंत्र के राइटर के नाम बताऊं तो वो आपका हो जाएगा विष्णु शर्मा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपके पास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टोन एज इन इंडिया। फर्स्ट वाला दिया हुआ डिफरेंट पीरियड्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द स्टोन टूल्स। ठीक है, देर आर नो रीजनल वेरिएशन इन द टाइप्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द स्टोन टूल्स ऑफ द डिफरेंट पीरियड। ठीक है, स्टोन एज कल्चर ऑफ द डिफरेंट पीरियड इवॉल्व यूनिफॉर्मली इन द नीट फैशन ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। देखो, बेसिकली आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको स्टोन एज के बारे में बताना है। अगर मैं जब भी स्टोन एज की बात करती हूँ, दैट मीन्स पत्थर युग, एक ऐसा युग जब आदमी जो था वो बेसिकली होमो सेपियंस हुआ करता था, उसके पास पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं होता था। और जब भी मैं स्टोन एज की बात करती हूँ तो मैं स्टोन एज को डिवाइड करने का काम करती हूँ तीन फेजेस में। एक है आपका पैलियोलिथिक एज, एक है आपका मीजोलिथिक एज और थर्ड है आपका नियोलिथिक एज। आप देखो, पैलियोलिथिक एज बेसिकली आपका वो वाला टाइम पीरियड हो जाएगा जब जो ह्यूमंस होता था वो हंटिंग गैदरिंग करा करता था, शिकार करा, उसको इकट्ठा करके रख लिया। दूसरा है आपके पास मेसोलिथिक एज, जब उसमें फिशिंग और हंटिंग और गैदरिंग हुआ करती थी। फिशिंग हो गई, हंटिंग और गैदरिंग। और पैलियोलिथिक एज में हमने क्या करा? हंटिंग गैदरिंग। और नियोलिथिक एज में क्या होगा कि जो ह्यूमन होता था वो थोड़ा सा अपने आप में डेवलप होना स्टार्ट हो गया था, उसके जो स्टोन की जो शेप होती थी वो थोड़े थोड़े से शार्प में आना स्टार्ट हो गई। स्टोन की अगर शेप थोड़ी सी शार्प होना शुरू हो गई तो मैं बोल सकती हूँ कि इसमें जेस्पर की शेप आ सकती है, क्वार्ट्जाइट की शेप आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड में यही दिया हुआ है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट में, कि डिफरेंट पीरियड्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्टोन टूल्स। ठीक है, पहले वाले देखो, पैलियोलिथिक में क्या होगा कि जो स्टोन टूल्स होते वो बड़े बड़े से पत्थर होते थे, आदमी शिकार करता था, बड़े पत्थरों को मारता था, फिर खाता था उनको, एनिमल्स को। दूसरा है आपके पास मेसोलिथिक, इसमें जो पत्थर होते थे उनकी वेरिएशन होना स्टार्ट हुई, थोड़े थोड़े से आपके शेप जो थे वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए, थोड़ी सी शार्पनेस आना शुरू हो गई। और जब भी मैं मेसोलिथिक एज की बात करूंगी, जेस्पर की शेप में आना स्टार्ट हो गए, बो एंड एरो, जैसे धनुष का शिकार होता है ना धनुष के टाइप में, ऐसे वाले आने स्टार्ट हो गए। तो बेसिकली आपकी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट जो है वो स्टोन टूल को एकदम करेक्टली बताती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री साइट्स वर द लाइमस्टोन एंड चैट ब्लेड्स वर मास प्रोड्यूसेस एंड सेंट टू वॉरियर्स हरप्पन सेटलमेंट इन द सिंध। देखो, क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि आपको एक तरीके का लाइमस्टोन, पत्थर का एक वेरिएशन होता था, उसको बताना है कि वो कहाँ से मिला है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सुकूर एंड रोहरी हिल्स, यही बेसिकली आंसर है। खेतरी माइंस राजस्थान, यहाँ से तो आपके कॉपर मिले थे ना यार। चगाई हिल्स, हिल्स ऑफ बलूचिस्तान, यहाँ से तो वो लोग टिन लेके आते थे। देखो, सबसे पहले एक बार हरप्पन सिविलाइजेशन को समझाती हूँ। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो कि 1921 में आपका हरप्पा डिस्कवर हुआ था, और अगर मैं 1922 की बात करूँ तो वहाँ पे मोहनजोदारो हुआ था, और अगर मैं इसका ओवरऑल टाइम पीरियड की बात करूँ तो 2500 से लेके 1800 BC तक हुआ था। अब मैं इसके सबसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ मोस्ट एक बार पॉइंट बताती हूँ, यूपी में कौन सा था? आलमगीरपुर हुआ करता था, वेस्ट में आपका लोथल होता था, साउथ में आपका दयामाबाद होता था, और यहाँ पर आपका मांडा होता था। अब जब भी मैं हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करती हूँ तो इनकी सिटी में सबसे मेन जो स्पेसिफिकेशन होती थी वो क्या होती थी? ग्रिड सिस्टम, दूसरा ब्रिक्स की फॉर्मेशन,
घरों को बनाने के लिए दो तरीके के ब्रिक्स यूज करते थे ना ये, एक आपकी होती थी बर्नट और एक आपकी होती थी सन ड्राइड। इनका सबसे अच्छा होता था बरियल सिस्टम। इनके मेटल्स, इनकी पोट्री, इनका एग्रीकल्चर, इनकी सील्स सबसे इम्पोर्टेंट है, इनका रिलीजन। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ कि हम लोगों को ये लाइमस्टोन बताना है कि लाइमस्टोन कहाँ से मिलता था, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सुकूर एंड रोहरी हिल्स। ठीक है, अब ये देखो खेतरी माइंस राजस्थान, बेसिकली ये जो आपका खेतरी माइंस राजस्थान वाला एरिया दिया हुआ है ना इन्होंने, यहाँ से तो आपको कोपर लेके आते थे राजस्थान से, बलूचिस्तान से आपकी, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से आपकी टिन आती थी, और जब कॉपर प्लस टिन करेंगे तो इनका ब्रोंज बन जाता था। और यही एक रीज़न है कि मैं जब भी हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करती हूँ तो मैं एक नाम ब्रोंज एज भी डालती हूँ। एक नाम आपका हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक नाम आपका हो गया ब्रोंज एज, और एक और नाम आपका क्या हो गया, हरप्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, याद रखना इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान सक्सीडेड फाइनली ब्रेकिंग डिस्ट्रॉइंग द पावर ऑफ तुर्कान ए छंगलानी। देखो बेसिकली ये जो तुर्कन ए चिहालगनी जो आपका एक सिस्टम होता था, वो बेसिकली आपके 40 लोगों का एक नोबल ट्रूथ होता था, मतलब कि एक क्रॉप जिसमें कि 40 जो सबसे वफादार समझ लो उन आदमियों को हम लोग रखते थे और उनका एक ग्रुप बनाया जाता था। और वो बोला गया है कि क्वेश्चन में इसको तोड़ने का काम कौन से राजा ने करा था, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। देखो इसका आंसर आपका बलबन है। अब मैं बताती हूँ क्यों। आप जब भी मेडिवल इंडिया की बात करते हो तो आप उसमें स्लेव डायनेस्टी पढ़ते हो, आप तुगलक डायनेस्टी भी पढ़ते हो, आप खिलजी भी पढ़ोगे, और एक आप मामलुक डायनेस्टी पढ़ते हो। अब ये देखना, स्लेव डायनेस्टी और जो मैंने ये लिखा मामलुक डायनेस्टी, ये बेसिकली एक ही डायनेस्टी होती थी, और स्लेव डायनेस्टी जो थी उसको इस्टेब्लिश करने का काम आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने करा था। क्या बताया मैंने, स्लेव डायनेस्टी आई, फाउंडर का नाम कौन हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक के आगे इसको डायनेस्टी को बढ़ाने का काम किसने करा था, इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश के बाद अगर मैं बात करूं कि इसका जो इल्तुतमिश ही था जिसने ये बेसिकली आपका ये जो तुर्कान चोगलानी है इसको बसाने का काम करा था, जिसमें आपके 40 जो होते हैं बेसिकली आपके नॉवल ट्रूप्स होते थे जो सबसे वफादार तरीके के काउंट करे जाते थे। और फिर आपका रजिया सुल्तान आएगी, फिर आपका आता है बलबन। बलबन ही था जिसने इस वाले सिस्टम को तोड़ के एक रफा दफा कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग मंगोल लीडर कमांडर डिड नॉट क्रॉस इंडस टू अटैक इंडिया, चंगेज खान, तैर बहादुर अब्दुल्ला या फिर कुतुलगा ख्वाजा। बेसिकली इसका आंसर आपका चंगेज खान है, क्योंकि ये ही थे जिन्होंने सिंधु रिवर को पार भी नहीं किया था कि हम लोग इंडिया में अटैक करने जाएंगे ही नहीं। और क्या कहते हैं कि इनकी जो डेथ हुई थी वो शायद 1227 नियर मंगोलिया वाले रीजन में हुई थी। हाँ, चंगेज खान इसका आंसर आएगा। इंडस रिवर, और इसकी डेथ कब होगी, 1227 मंगोलिया। अच्छा, मेडिवल इंडिया में तो आप बहुत सारे रूलर्स के नाम पढ़ते हो कि इंडिया पे अटैक हुआ, आए गए।
अगर मैं एंशियंट इंडिया की बात करूँ तो एंशियंट इंडिया में सबसे फेमस नाम किसका होगा बताओ? अलेक्जेंडर का ना, अलेक्जेंडर ही था जिसने इंडिया पे इन्वेड करा था, हिंदुकुश माउंटेन क्रॉस करके आया था, झेलम रिवर के किनारे बैटल ऑफ हाइडस पास करी थी, फिर पोरस के साथ भी युद्ध हुआ था, और फिर जाते जाते अपना एक जो एम्बेसडर था वो जिन जिन जगह को जीतता गया था उन पर अपने एम्बेसडर को नियुक्त करता हुआ चला गया था। और वहीं पर हम सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट नाम किसका पढ़ते हैं? सेल्यूकस निकेटर का पढ़ते हैं ना। सेल्यूकस निकेटर के साथ वॉर किसकी हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की हुई थी, जिसमें जीता कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जीता था। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की बेटी, चंद्रगुप्त मौर्य की शादी किससे होती है? हेलेना से होती है ना, सेल्यूकस निकेटर के बेटे के साथ, जिसकी वजह से इंडिया में कौन आया था? मेगस्थनीज आया था। मेगस्थनीज की फेमस बुक कौन सी थी? इंडिका थी, याद रखना इस पॉइंट को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, द वर्क सियार उर मुख्तरीन विच डिस्क्राइब द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 वॉज रिटन बाय, बेसिकली इसका आंसर आपका गुलाम हुसैन है। देखो ये जो बुक थी, ये जो बुक का नाम इन्होंने मेंशन करा हुआ है सियार उर मुख्तरीन, इस बुक के आपके टोटल 3 वॉल्यूम हैं। फर्स्ट वॉल्यूम में अगर मैं बताऊं तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी बताई हुई है, ज्योग्राफी हो गया, क्लाइमेट, रिलीजन, जो आपका बंगाल वाले रीजन में था, दूसरे में आपकी हिस्ट्री बता दी, और तीसरे में इसमें आप क्लाइमेट डाल दो, और ज्योग्राफी दूसरे में है हिस्ट्री ऑफ बंगाल, और तीसरे में आपको बताया गया कि वहां पर जितने भी निजाम रूल करते थे उनकी हिस्ट्री क्या होती थी। चलो अब थोड़े से बैटल ऑफ प्लासी पे आते हैं, हुई कब थी? 1757 किस किस के बीच में? सिराजुद्दौला वर्सेस जो आपके ब्रिटिशर आदमी होते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बोल सकती हूँ, जीती ये थी हारी ये थी, जिसके बाद आपका कौन राजा बन गया था? मीर जाफर। अब थोड़ा सा हिस्ट्री सुनो, क्यों हुई थी बैटल? औरंगजेब की डेथ के बाद जो इंडिया था वो, जैसे कि औरंगजेब जो था उसने बैठे बेसिकली अपने अलग अलग तरीके के सूबेदार बिठाए हुए थे इंडिया पे कि आप रूल करिए, मुझे मेरा टैक्सेशन देते रहिए। तो जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो इंडिया कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो गया था, और 1717 में एक राजा होता है फर्रुख सियार, 1717 में बीमार होता है वो। बीमार होने के कारण जो इंग्लिश होते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, जब वो इंडिया में आते थे तो अपने साथ डॉक्टर्स को लेके आया करते थे, और डॉक्टर्स को लाने के साथ साथ ही वो क्या करते थे, वो इंडियन जो मेडिकल सर्विसेज होती थी उनके ऊपर रिलाय नहीं करते थे। तो रिलाय ना करने के कारण उन्होंने फर्रुख सियार का इलाज करवा दिया। फर्रुख सियार का इलाज कराने के कारण जो फर्रुख सियार था उनसे खुश हो गया, और वह बाद में उनको एक फरमान इशू कर देता है जो कि ये बोलता है कि अब से आप इंडिया में कहीं भी ट्रेड कर सकते हो बिना किसी टैक्सेशन के, मतलब कि टैक्सेशन विदाउट ट्रेड। अब राजा बना सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला जब राजा बना तो उसने कहा कि ये सब काम आपके यहाँ पे नहीं चलेंगे, आपको टैक्सेशन देना पड़ेगा। तो फ्रेंच वाले मान गए, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानी, जिसके कारण सिराजुद्दौला ने एक ब्लैक होल इंसिडेंट होता है बंगाल वाले रीजन में, वो हुआ जिसमें जो उनकी औरतें और जो बच्चे थे उनको पकड़ पकड़ के कालकोठरी में बंद कर दिया था। जब सुबह दरवाज़ा खोला गया तो उसमें से बहुत सारे बच्चे और औरतें मरी हुई आई थी। अब अंग्रेज़ों को तो मौका मिल गया ना कि अब हमें इसके ऊपर अटैक करना है, तो अटैक करने के कारण आपकी पहली वॉर होती है बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें जो मीर जाफर होता है ना, अंग्रेज़ मीर जाफर इसका सेनापति होता है सिराजुद्दौला का, उसको अपनी साइड कर लेते हैं कि हम इसको हराते हैं और राजा इसके बाद आपको बनाया जाएगा। तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, बैटल ऑफ प्लासी होती है, इसके बाद मीर जाफर राजा बनेगा। मीर जाफर भी ना पपेट होते हैं। इसके बाद इसका दामाद आ जाता है मीर कासिम, उसके साथ बैटल कौन सी होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलो मैं ये बता देती हूँ, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में दो ऐसी बैटल थी जिनके जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जैकपॉट लग गया था कि इंडिया में हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है, ठीक है। और इसी के बारे में किसने बताया? गुलाम हुसैन ने अपनी बुक में। बुक का नाम क्या है? सियार उर मुख्तरीन। अब नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग रोट फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। यस, ये क्वेश्चन मजेदार है, बताओ।
इसका जो आंसर है वो है आपका भगवती चरण वोहरा। बेसिकली इनकी जो डेथ हुई थी वो आपकी 28 मई और 1930। भगवती चरण वोहरा इसका आंसर होगा। कहा जाता है कि एक बॉम्ब को टेस्ट कर रहे थे जिसके कारण बॉम्ब जो होता है वो फट जाता है और इनकी डेथ हो जाती है। अगर मैं इनके बर्थ की बात करूँ तो 1904 में इनका बर्थ होता है। 1921 में इन्होंने वोहरा जो होते थे, जो आदमी थे, इन्होंने सत्याग्रह को ज्वाइन करा था, ठीक है, 1921 में सत्याग्रह को ज्वाइन करा। और 1930 में इन्होंने, आपने एक मॉडर्न इंडिया में लॉर्ड इरविन के ऊपर बॉम्ब अटैक की कॉन्स्पिरेसी होती है, उसके ऊपर अटैक प्लान कराया गया था कि उनका मोर्चा जा रहा था, लॉर्ड इरविन, वही लॉर्ड इरविन जिनके बीच में गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, मैं उन्हीं लॉर्ड इरविन की बात कर रही हूँ। और इनके ऊपर अटैक, बॉम्ब अटैक करने का जो प्लानिंग करी गई थी वो इन्होंने ही करा था, भगवती चरण वोहरा ने, याद रखना, थोड़ी सी फेमस पर्सनैलिटी थी। अब नेक्स्ट देखो, इब्न बतूता वेंट टू चाइना एज द इन्वॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत। आपको बताना है कि इब्न बतूता जो था वो किसके रॉयल कोर्ट में आया था। सबसे इजी क्वेश्चन था मेरे ख्याल से 2020 का, मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे ये मोहम्मद बिन तुगलक के रॉयल कोर्ट में आपका इब्न बतूता आया था। और अगर मैं इब्न बतूता की बात करूँ तो ये सबसे बड़ा मुस्लिम ट्रैवलर काउंट करा जाता है, जिन्होंने ऑल अबाउट 75,000 किलोमीटर के अप्रॉक्स ट्रैवल करके इंडिया में आया था। और इनकी एक फेमस बुक का नाम भी होता है रिहाला, कभी कभार पेपर में आ भी जाती है, तो याद रखना इसका। अलबरूनी किताब्स, किताब उल हिंद वॉज रिटन बाय इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। देखा 2020 में आपके जो ये ग्रीक हो गए थे या फिर जितने भी ट्रैवलर्स थे उनसे क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से पूछा हुआ यूपीएससी ने, तो हिस्ट्री को लाइटली भी मत लिया करो कि हाँ हो जाएगी, कर लेंगे, इतनी भी इजी नहीं है। तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया, अलबरूनी किताबुल हिंद वॉज रिटन बाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। ये आपका बेसिकली एक अरेबिक टेक्स्ट होता था जो कि थोड़ा सा कमेंट करता था इंडियन साइंस के ऊपर, हिंदू रिलीजन के ऊपर, आपके कस्टम्स के ऊपर, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। और लैंग्वेज हमने देखी ली ना, अरेबिक लैंग्वेज में था। और अगर मैं अलबरूनी की बात करूं तो ये पहला मुस्लिम स्कॉलर हुआ करता था जिसको मैं मेडिवल इंडिया में काउंट करती हूँ, तो ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, ऑन 31 दिसंबर 1929 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस सेशन वॉज प्रोक्लेमेशन ऑफ द पूर्ण स्वराज मेड। लाहौर सेशन, देखो लाहौर सेशन भी मैं क्यों बोल रही हूँ, अब ये सुनना मेरा बात। 1919 में आपका एक एक्ट आया था जिसमें ये बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई जाएगी जिसमें बेसिकली इंडियंस का पार्टिसिपेशन अच्छा भला रहेगा। ठीक है, इन्होंने कहा 1919 के बाद हम लोग 1919 में एक कमीशन लेके आएंगे जो ये देखेगा कि हम लोगों ने जो ये दो बातें रखी हैं इनको ठीक से फुलफिल करा भी है या नहीं करा है। अब आना तो 1919 में था, आ गया 1927 में, इसका नाम क्या था, साइमन कमीशन। और जब साइमन कमीशन आया तो इसमें इंडियंस की जो पार्टिसिपेशन थी वो तो थी नहीं, एक भी इंडियन नहीं था। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना रहे हो, इंडिया का संविधान बना रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं इंडियंस का पार्टिसिपेशन तो रखना चाहिए ना, इंडियंस का पार्टिसिपेशन नहीं था जिसके कारण 1927 में साइमन कमीशन के बैक होने के प्रोटेस्ट हुए थे इंडिया में, जिसमें आपके नारे लगे थे साइमन गो बैक के, काले झंडे फहराए गए थे। अब जब ये
वापस होने का रीज़न बना तो इंग्लिश ने जो क्या बोला जाता है कि इंडियंस को एक मौका दिया कि चलिए आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हमें ड्राफ्ट बना के दिखाइए। तो उसके बाद नेहरू रिपोर्ट पेश करी जाती है जिसमें नेहरू जो होते हैं अपने बेसिकली आपके पॉइंट्स को काउंट करते हैं कि चलो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए। और जब ये नेहरू ने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे तो उसके बाद इन्होंने एक साल का अल्टीमेटम टाइम दिया था कि आप 1929 तक या तो इसको मान लो, अगर नहीं माना तो इसके बाद जो भी होगा वो आपकी जिम्मेदारी होगी। अब 1919 तक जो आपके ब्रिटिशर्स होते थे इन्होंने इसके ऊपर ना तो कभी कोई एसेंट दिया ना ही इसको रिजेक्ट करा। बेसिकली जो ड्राफ्ट प्रपोजल दिया गया था उसको ऐसे ही पेंडिंग रखा। फिर 1930 में 26 जनवरी 1930 को एक रेजोल्यूशन जो होता है वो बेसिकली पास करवाया गया था कि अब से हमें पूर्ण स्वराज, कि हमें अपनी जो इंडिया की इंडिपेंडेंस है वो चाहिए। और वो अगर मैं रिवर की बात करूं 26 जनवरी 1930 को आपका पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन था, वो जो फुल फ्लैश तरीके से हुआ था रावी रिवर के किनारे, जिसमें ट्राई कलर आपका नेशनल फ्लैग पर आया गया था, राष्ट्र ध्वज पर आया गया था। और ये जो हुआ था पूर्ण स्वराज का जो भी आपका रेजोल्यूशन था वो पास कराने का जो काम था वो आपका 31 दिसंबर 1929 को लाया गया था कि ठीक है हम ये रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं लेकिन हम फुल फ्लेश तरीके से इसके बारे में जो प्रोटेस्ट होता है अपना जो आंदोलन है वो कब करेंगे, 26 जनवरी 1930 को करेंगे। यही एक रीज़न है कि 26 जनवरी को हम लोग अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, लाहौर इसका आंसर हो जाएगा। Which of the following act reserves seats for the women in the legislature in accordance with the allocation of the seats of the different community? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा एक्ट आया था जिसमें वुमेन्स के लिए एलोकेशन जो सीट्स होती थी उनको रखने का काम करा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बेसिकली इसका आंसर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है। देखो पावर का सेपरेशन दो पार्ट्स में हो गया था, एक था आपका सेंटर में करा गया था, दूसरा आपका प्रोविंसेस में करा था। दो पार्ट्स में इसका पावर का सेपरेशन हो गया था और आपकी तीन तरीके की लिस्ट भी आई थी, फेडरल लिस्ट आई थी, प्रोविंशियल लिस्ट आई थी और कॉन्करेंट लिस्ट आई थी। लिस्ट में कर सकती हूँ, आपकी आ गई थी, पावर का सेपरेशन हो गया, तीन आपकी लिस्ट भी आ गई। और जो आपकी रेसिड्यू पावर होती थी वो किसको सौंप दी गई थी, वायसराय को दे दी गई थी। साथ ही साथ इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट जो आपकी डिप्रेस क्लासेस होती थी साथ ही साथ विमेंस को भी दिया गया था और लेबर को भी दिया गया था। मैं बात कर रही हूँ सेपरेट इलेक्टोरेट की, तो विमेंस को भी मिला था, लेबर्स को भी मिला था और तीसरा डिप्रेस्ड क्लास को भी मिला था। तो आ रहा है ना वुमेन, और मैंने रेसिड्यू पावर किसके हक में बताई, वॉयसराय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 12 आपका ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिमांडेड by All India Depressed Class Leader Conference at the Bombay in 1931. Basically, आपका 1931 में आपका कॉन्फ्रेंस एट बॉम्बे हुआ था, उसमें डिप्रेस्ड क्लास ने आपकी किस चीज़ की डिमांड करी थी आपको वो बताना है। पहला यूनिवर्सल सफरेज, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर अनटचेबल, यही वाला ठीक है। देखो आपको याद भी होगा कि साइमन कमीशन तक हमने पढ़ लिया, नेहरू की रिपोर्ट भी हमने देख ली। तो साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए आपके लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, अगर आपको पता हो। फर्स्ट वाली फेल हुई थी क्योंकि कांग्रेस नहीं गई थी। फर्स्ट और सेकंड के बीच में आपका कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। अब ये सुनना ध्यान से, अब सेकंड वाली भी फेल ही हुई थी
क्योंकि यहाँ पर डिप्रेस क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग हो गई थी, जिसके कारण जो गांधी जी थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे थोड़े सा गुस्सा हो गए थे कि आप तो इंडिया का सेपरेशन कराने की सोच रहे हो। और जो थर्ड वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें पाकिस्तान को बनाने की मांग उठी थी ना। अब ये जो तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इनके बेसिस पे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया था, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इसलिए हटके बता रही हूँ। अब बैक टू क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि डिप्रेस क्लास की कॉन्फ्रेंस के लिए आपको डिफरेंट क्लास लीडर के लिए की क्या डिमांड उठी थी बॉम्बे में 1931 में कि हमें ये चाहिए। तो बेसिकली इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर अनटचेबल्स की मांग करी थी। सेपरेट इलेक्टोरेट का अगर मैं आपको इजी वे में मतलब समझाऊं तो ऐसा होता है कि मान लो किसी कस्बे से हिंदू नेता को उठाना चाहते हैं और उसमें कहा गया है कि हिंदू नेता ही उठेगा और हिंदू नेता को जिताने का या हराने का या जो वोटिंग का जो भी काम होगा वो हिंदू लोग ही करेंगे। तो बेसिकली इसमें कहा गया कि और कोई भी क्लास जो है या और कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, ठीक है। बी, इसका आंसर आपका बी होगा। और इसको उठाने की मांग किसने करी थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, अगर मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में और थोड़ा सा बताऊं तो इन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकरणी सभा, ये बनाई थी। अगर मैं 1927 में कहूं तो समाज समता संघ ये बनाया गया था। समाज दो होगी। अगर मैं 1927 में ही एक और बताऊं तो इन्होंने करी थी महासत्याग्रह, करेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंट आर्ट। बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया में जो आर्ट थी उसको लाने का काम किसने करा था। इसका आंसर आपका अभिन्द्रनाथ टैगोर है। ये बेसिकली आपके लैंडस्केप पेंटर हुआ करते थे और इनकी जो फर्स्ट पेंटिंग होती थी वो शायद कृष्ण लीला और राधा कृष्ण सीरीज की होती थी। अभिन्द्रनाथ टैगोर पेंटर, और इनकी सीरीज का नाम आप क्या डालोगे? कृष्ण लीला और राधा कृष्ण टाइप ये लोग ये पिक्चर्स करा करते थे और बेसिकली आपके लैंडस्केप पेंटिंग ज्यादा करते थे। अब इंडियन जो आपकी ये है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटेड आर्ट, इसको जो है कहीं ना कहीं आपके ये जो इन्होंने भाई है इनका नाम होता था गगन देवनाथ टैगोर, इसका तो आंसर आपका अभिन्द्रनाथ टैगोर है। उसका आंसर मतलब इन्होंने ऑल अबाउट 1907 के आसपास इस चीज़ की शुरुआत करी थी और इस चीज़ को शुरुआत करने में इनके ब्रदर का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान माना जाता था। अब गगनेंद्रनाथ टैगोर, हाँ मेरी शायद प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है बट हाँ यही थे। नेक्स्ट, हु बिलीव दैट द रशियन डिजाइंस वर एन एमिनेंट पर्ल द सिक्योरिटी एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द इंडियन एम्पायर इन 1836। बेसिकली आप इसमें इन्होंने बोला हो गया है कि जो आपके रशियन डिज़ाइन होते थे वो भारतीय साम्राज्य के लिए एक खतरा पैदा हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट किसकी थी? लॉर्ड पैमस्टोन। द तत्वबोधिनी सभा वॉज इस्टेब्लिश बाय, है ना, सबसे ईजी क्वेश्चन, वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन। क्या आंसर आएगा इसका? देवेंद्रनाथ टैगोर इन 1839। और इसका जो तत्वबोधिनी सभा होती थी इसका जो बेसिक एम क्या होता था कि हम अपने उपनिषद के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करें, साथ ही साथ हम अपने वेदों की और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और ये स्टार्ट अगर मैं इसकी बात करूँ तो स्टार्ट कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता। टू प्रमोट उपनिषद प्लस वेद,
ठीक है, वेदों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा। 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की शुरुआत करी थी और इसको आगे बढ़ाने का जो काम होता है ब्रह्म धर्म जो बेसिकली था उसको आगे बढ़ाने का काम आपका वो भी देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही करा था। देखो एंशियंट हिस्ट्री में ना, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ना मेन जो आपको मैं समाज बताती हूँ उनके नाम थोड़ा सा देख के जाना। जैसे एक आपका है ब्रह्म समाज, एक है आपका देव समाज, आर्य समाज, तत्वबोधिनी सभा होगी, ठीक है, सती सिस्टम किसने बंद करी थी, उसके साथ ही साथ सती सिस्टम हो गया, जितने भी आपके ये क्या कहते हैं कि बॉम्ब अटैक किसने कॉन्स्पिरेसी करी गई थी, वेद समाज। ये आपके बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि आपके जितने भी समाज है ना उनको थोड़ा सा देख के जाना। समाज में आपके फाउंडिंग ईयर्स और फाउंडर का नाम वो डाल देते हैं, कभी कभार आपका ईयर भी पूछ लिया जाता है कि किस जगह पे स्थापना हुई थी, ऑर्गेनाइजेशन क्यों हुई थी, कारण क्या हुआ था समाज को इस्टेब्लिश करने का। अब नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट टू अराइव इन अफ्रीका एज अ ट्रेडर एंड दैट इवेंचुअली लेड टू यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका। पोर्तुगीज, इंडिया पे भी सबसे पहले आपके पोर्तुगीज ही आते हैं और बेसिकली क्वेश्चन में बोला गया है कि अफ्रीका वाले रीजन पे सबसे पहले ट्रेडर्स के रूप में किसने इस्टेब्लिशमेंट करी थी, तो इसका भी आंसर आपका पोर्तुगीज ही होगा। शायद 1471 के आसपास इन्होंने जो था मॉडर्न घाना के आसपास ये लोग पहुँचे थे। हाँ जी यही होगा, 1417 के आसपास मॉडर्न घाना, और वहाँ से ये लोग ट्रेडर के रूप में गए थे, क्लोथ्स के, स्पाइसेस के, मसाले के या कपड़े के बहुत ज़्यादा शौकीन हुआ करते थे। अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो इंडिया में पोर्तुगीज़ कब आए थे, 1498 में आया था ना वास्को डी गामा, फिर उसके बाद बार्थिलोमो डियाज आया था। अगर मैं पोर्तुगीज़ के मेन वॉइसरॉय की बात करूँ, अल्फांसो डी अल्मेडा, अल्बुकर्क और नूना डी कुना, जहाँ पर जो कुछ सबसे पहले जो वॉइसरॉय आएंगे सबसे पहले एक ब्लू वाटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब होता है कि हम इंडिया पे अपनी अपनी जो पकड़ है उसको इतना मजबूत कर लें कि हमारे पास आज के बाद कोई आ ही ना पाए। उसके बाद अल्मेडा है, अल्मेडा ने क्या करा था, इंडिया में आके सती सिस्टम को बंद कर दिया था। उसके बाद आपका नीनो डी कुना है, ताकि उसने इंडिया पे आके बीजापुर का जो राजा होता था, गोवा वाला रीजन, गुजरात वाला रीजन, उसको वहाँ के राजाओं को हरा कर वहाँ पर अपनी इस्टेब्लिशमेंट पकड़नी शुरू कर दी। तो अफ्रीका का भी आपको पता चल गया और इंडिया में भी मैंने आपको बताया कौन आया था पहले, 1498 में वास्को डी गामा, ठीक है। अब नेक्स्ट, हु फाउंडेड द सेवा समिति इन अलाहाबाद इन 1914? हृदयनाथ कुंजरू, गोपाल कृष्ण खोखले, श्री राम वाजपेयी और एक दिया हुआ ये टी बी सप्रू होगा, तेग बहादुर सप्रू। बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो आपका हृदयनाथ कुंजरू होगा, इन्होंने 1914 में स्टार्ट ही करा था। और अगर मैं हृदयनाथ कुंजरू के बारे में और बताऊं तो ये आपके सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी होती थी ना उसके भी मेंबर हुआ करते थे, और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसके भी मेंबर हुआ करते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के भी मेंबर होते थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला, द स्टेट ऑफ हैदराबाद इन द डक्कन इज ऑफिशियली एडेड टू द इंडियन यूनियन इन कब, 1948 1950 1947 और 1949। देखो हैदराबाद के बारे में पहले थोड़ा सा जानते हैं, हैदराबाद के ऊपर रूल करने का काम कौन करता था, आपका निज़ाम उल मुल्क करते थे, ठीक है। और जब निज़ाम उल मुल्क थे, जब हम इंडिया की इंडिपेंडेंस को कर रहे थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेक्शन जो आपका 1935 में साइन हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमें ये बोला गया था कि इंडिया के जो राजे रजवाड़े हैं जो नहीं आना चाहते वो अपना अलग से एक प्रोविंस बना सकते हैं।
तो 1948 में हैदराबाद को ऐड करा गया था। और इसके अलावा अगर मैं आपको और पूछूं तो कौन कौन से रीजन होते थे, जम्मू कश्मीर भी था ना, जूनागढ़ भी होता था और हैदराबाद भी था। अब यहां पर इन तीनों को इंडिया में जोड़ने का काम किसने करा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करा था। ठीक है, तो 1948 याद रखना। नेक्स्ट, द हंटर कमीशन 1882 अपॉइंटमेंट टू द सर्वे ऑफ इंडिया ऑफ एजुकेशन। देखो इसमें क्वेश्चन में बोला गया कि हंटर कमीशन जो था 1882 में आया था, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि वो इंडिया में किस रीज़न से आया था। पहला है डिपार्केटेड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, दूसरा ओवर रूल्ड द डिस्पैच ऑफ 1854, तीसरा इंडोर्स द डिस्पैच ऑफ 1854 विद अ ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन प्राइमरी एजुकेशन। बेसिकली आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखो अगर मैं हंटर कमीशन की बात करूँ, इसको लेके आने का काम किसने करा था, लॉर्ड रिपन। कह सकती हूँ, और इन्होंने कहा था कि जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन होती है ना वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में होनी चाहिए। इंडियंस की हम एजुकेशन के ऊपर थोड़ा ऐसा इम्फेसाइज कर सकें, उनको मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, और अगर मैं हंटर कमीशन के प्रेसिडेंट की बात करूं तो मतलब सर विलियम जो थे, सर विलियम हंटर थे जिनके द्वारा ये प्रिसाइड करा गया था, और अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिपन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट आंसर है। हाँ जी, ये आपके टोटल 20 क्वेश्चन थे। देखो अगर मैं एक बार हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको वेटेज करते हुए बताऊँ ना कि आपको कहाँ से कौन कौन से मेन मेन से कमीशन करने हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के बता रही हूँ याद रखना। मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे पहला टॉपिक आपका 1857 का रिवोल्ट बिल्कुल नट होना चाहिए, वहाँ से आपके जितने भी ये आपके रूलर्स होते थे, सॉरी लीडर्स होते थे, कौन कौन सी जगह से कौन कौन सा लीडर उठ के आया था और कॉजेज क्या होते थे। उसके बाद आप एक इल्बर्ट बिल पढ़ते हो कि वो क्यों आया था। इल्बर्ट बिल के बाद जो आपका होना चाहिए वो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस ये वही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था जो कि 1878 में आया था। अब जिसके कारण ये बोला गया था कि अगर इंडियंस को, मान लो कि इंडिया में कोई भी अपना न्यूज़पेपर चलाना है और अगर वो न्यूज़पेपर चलाना चाहता है तो उसकी पहले परमिशन ब्रिटिशर्स से लेनी पड़ेगी, और अगर हमने कहीं भी पाया कि हम अब न्यूज़पेपर में अंग्रेज़ों के खिलाफ थोड़ा सा भी अंटशंट या गलत बताया जा रहा है तो उस न्यूज़पेपर जो आपकी फैक्ट्री होती थी उसको वहीं पे बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, तीन मैंने टॉपिक बताए। फिर आपको जो याद होना चाहिए वो है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिल्कुल भी मत स्किप करके जाना। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी आपके सेशन हुए थे हर एक, चलो मैं सारे तो नहीं बोलती, इम्पोर्टेंट याद रखना। जैसे आप ये देखते हैं कि किस किस जो सेशन था, किस सेशन में आपका जनगणमन गाया गया था, किस सेशन में जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी वो बनी थी, किस सेशन में आपका जो फॉरेनर बंदा था वो प्रेसिडेंट बना था। उसके बाद अब जब आप इंडियन नेशनल कांग्रेस कर लोगे तो आपके पास एक 1905 का बंगाल पार्टीशन आता है ना, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट। फिर आप बैठते हो कि 1906 में आपकी मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर आप 1914 में होम रूल लीग, इसकी फॉर्मेशन होती है। फिर आप 1915 से लेके
और 1920 तक मोस्ट ऑफ इवेंट पढ़ते हो जिनको मैं गांधी एरा में कन्वर्ट करती हूँ। फिर आप 1922 में चोरी चोरा पढ़ोगे और 1920 से लेके 1947 तक का जितना भी इवेंट आता ना इसको बिल्कुल भी देखो। में आपका चोरी चोरा हो जाता है, फिर आप देखते हो कि 1927 में आपका साइमन कमीशन आया, 1928 में आपका बारदोली सत्याग्रह हुआ, फिर आप देखोगे कि तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर रही हूँ मैं, फिर इन्हीं के बेसिस पे आपका गांधी इरविन पैक्ट भी साइन होता है। और जब गांधी इरविन पैक्ट साइन होगा तो आपका 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप देखते हो कि फिर आपका 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आता है, 1940 में आपका अगस्त ऑफर आएगा। तो देखो मोटा मोटा अगर मैं कहूँ कि अगर आप 1857 से लेके 1947 तक के गांधीयन वाला एरा कर लो, और जो आपके वो ऐसे इवेंट्स जहाँ से आपके मोस्ट ऑफ टाइम पी वाई क्यूज में हर बार क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली कमीशन हो गए, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस किसने बनाई थी, इसको बिल्कुल अच्छे से करके जाना। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये आपके टोटल 20 क्वेश्चंस थे जो हमने हिस्ट्री के डिस्कस करे हैं। आई होप आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी, और जितना ज़्यादा PYQ को सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।